तो उसी में ये क्या कर दिया कि अप्सु को ड्रैग कर दिया। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अप्सु आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम पाइलिंग ए नॉमिनेशन। अरे अप्सु कौन होता है? अप्सु कौन होता है? अप्सु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, अप्सु इज द आरओ नहीं है। तो अप्सु को आप ड्रैग इसलिए किया? तो यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट आप ही लोगों ने एक प्रेस ब्रीफिंग करके 28 मार्च 2024 ये क्लेम किया कि आपकी वजह से त्रिशमणि चाकमा का इलेक्शन पिटीशन, ये इलेक्शन नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है और उन्हें करना पड़ा है। त्रिशमणि चाकमा, यू पीपल आर अवेयर अबाउट द नेम ऑफ दिस गाय। इसी ने दायुन बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट टाइम एमएलए इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया था। तो उस दौरान ड्यू टू द इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हिम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिजेक्टेड देयर नॉमिनेशन। तो ऐसे होने का बाद उसने एक हाईकोर्ट में केस फाइल किया। तो उसी में ये क्या कर दिया कि अप्सु को ड्रैग कर दिया। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अप्सु आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ए नॉमिनेशन। अरे अप्सु कौन होता है? अप्सु कौन होता है? अप्सु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, अप्सु इज द आरओ नहीं है। तो अप्सु को आप ड्रैग किसलिए किया? एंड एज फार एज नाउ वी हैव गॉट ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यू। इसी ने क्या क्या फॉर्जरी बना के उसका मिसेस का बस्ती से एक पैक इफिक्स ले लिया, मोटर आईडी ले लिया, खुद को फॉर्जरी करके खुद को वहां पे एनरोल करा लिया। तो आफ्टर फाइंडिंग ऑल द फैक्ट्स एंड वी कंसल्ट विद द गांबूरा आल्सो, वी कंसल्ट विद द बीएलओ। तो होने का बात क्या है कि गांबूरा ने फॉर्म 7 में साइन करके अभी उसका ये को एनरोलमेंट को कैंसिल करा दिया और बीएलओ ने भी लिख के दे दिया। तो अभी इसमें यू बीइंग ए रिफ्यूजी यू कैन नॉट कंटेस्ट इन द इलेक्शन एंड हाउ यू बीइंग ए रिफ्यूजी हाउ यू ऑब्टेन द दिस वन एनरोलमेंट और ये इफिक्स कार्ड। इसलिए आपने फॉर्जरी किया, इसलिए हम लोग फॉर्जरी में सीटिंग में वो लोग उसको आज हम लोग ने एफआईआर दिया एंड वी आर गोइंग टू फाइल ए डिफेमेशन केस अगेंस्ट त्रिशमणि चाकमा ऑल्सो। एंड आई अपील ऑल द चाकमा कम्युनिटीज, अप्सु इज नॉट इंटरेस्टेड टू हरास एनीवन। हम अप्सु ने आपको जब से आया शांति से बैठने दिया, अरुणाचली ने, इंडिजीनियस ने, अब जब आपको हम इतना अपॉर्चुनिटी दे रहा है देन यू शुड हैव टू रेस्पेक्ट अस, डोंट ट्राई टू इग्नेट, डोंट ट्राई टू हरास अस। हम किसी को हरास करना नहीं चाहते हैं। तो हम भी ये करते, ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हम रिफ्यूजी कैंप दिया, यू जस्ट कॉन्फाइन ऑन देयर, आप वहां पे बैठो, आपको हम लोग बैठने में मना नहीं कर रहा है, बट देन ऐसा आप एक्टिविटीज मत करो कि आपका एक्टिविटीज से मेरा इंडिजीनियस को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम अभी ऑल द चाकमा कम्युनिटीज का जितना भी एल्डर्स है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, त्रिशमणि चाकमा जैसे और रिपीटेडली आपका चाकमा मेंबर्स को करने मत दो। और अभी हम लोग आप लोग का जो जो विदाउट ए सिटीजनशिप, विदाउट ऑब्टेनिंग सिटीजन सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो खुद को एनरोल किया है सबको अभी हम लोग डिलीट कराएगा। एंड वी अपील गवर्नमेंट ऑल्सो प्लीज कॉपरेट, इस बार हम लोग सबको डिलीट करेगा। तो आप लोग त्रिशमणि चाकमा जैसे सब खुद को का फर्जी सर्टिफिकेट बना कर, फर्जी कागज बना कर एनरोल करा दिया, उसका बाद आज मेरा इंडिजीनियस को हमको आप लोग ने चैलेंज करता है। एंड नाउ वी अपील गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश प्लीज ब्रिंग त्रिशमणि चाकमा टू ईटानगर। तो उसमें हम लोग बात करते हैं वो कैसे करके सिटीजनशिप नहीं होके कैसे करके रिफ्यूजी कैंप में बैठ के रिफ्यूजी कार्ड में रहने वाला आदमी कैसे करके वो एनरोलमेंट खुद को करा दिया एंड हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर, किसने उसको अलाउ किया। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी मैं ये अपील करना चाहेगा एंड दोज द लोकेशन वेयर दिस द रिफ्यूजी कैंप हैज बीन बिलोंग, उस जगह को हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर को चेक एंड बैलेंस रखना है।
एडमिनिस्ट्रेटर को, अदरवाइज ये लोग इसी ढंग का करते रहेगा। तो इसलिए हम अपना चांगमा भाई बहन को हम ये बोलते हैं, वी डोंट वांट टू हरस बट देन वी कैन नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इफ योर एक्टिविटीज इज एनी हम लोग को प्रॉब्लम मिल रहा होने से हम लोग आपको को हम लोग भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ये सीधा सा बात है। इसलिए और दृष्टिमुनि चकमा यू आपको ये वार्न करता है कि डोंट ट्राई टू टेक एवरी टाइम अपसू अपसू, तुम कौन होता है, तुम अभी से अपसू का नाम नहीं लेगा, और एन यू आर द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू अलो यू टू एंटर इन अरुणाचल प्रदेश, तुम ILP लेके आओ, अदरवाइज तुमको अभी अरुणाचल आने नहीं देगा, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस टू योर ओन कम्युनिटी तो आप करके देखिए, अभी अपसू जो है आपको अरुणाचल में आने नहीं देगा। थैंक यू। सबसे पहले इस भारत में, इस भारत देश में संविधान सबसे बड़ा होता है। यहाँ के नागरिक को, यहाँ के हर नागरिक को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किस वर्ग के हो, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है। हमारे रितुभाई ने एक दो चीज़ें मीडिया के सामने रखा, मेरे हिसाब से वो शायद अनभिज्ञ होंगे, और माइट भी ही इज नॉट अवेयर जो पास्ट में जो आपसू के पास इन लोगों ने शायद अपडेट नहीं किया हो, या तो माइट भी ही इज नॉट अवेयर एक्चुअली। तो इन्होंने ये कहा कि चकमा लोग वोटर लिस्ट में कैसे आ सकते हैं, और चकमा लोग इलेक्शन किसे पिटीशन किसे फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन किसे लड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने रखा है। और इन्होंने ये कहा कि मैंने जो इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट में अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने कहा कि मैंने इसमें एलिगेशन लगाया है कि देयर इज सम यू नो आपसू काफ़ी कुछ है, आपसू काफ़ी लेना देना है। तो यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट आप ही लोगों ने एक प्रेस ब्रीफिंग करके 28 मार्च 2024 ये क्लेम किया कि आपकी वजह से त्रिशमणि चकमा का इलेक्शन पिटीशन, ये इलेक्शन नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है और उन्हें करना पड़ा है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने विपरीत मीडिया को ब्रीफ किया है, आपके लोगों ने, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे हल्ला उल्लू किया है, डेट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। एंड इन दिस रिगार्ड आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक मोर बिकॉज दैट केस इज ऑलरेडी सब जुडिस, एंड उसमें हनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा, जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, वो सबको, दोनों पक्षों को वो स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा विचार बात नहीं करना चाहूँगा। और रिगार्डिंग द माई वोटर आईडी, कहाँ से किया है, क्या नहीं किया है, हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, चकमा लोग वोटर आईडी रख सकते हैं कि नहीं, मैं उस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी हायर ऑथोरिटी भी ऑलरेडी सब जुडिस्ट है, वो निर्णय हायर ऑथोरिटी लेगी और उस पर कोर्ट के संज्ञान में है, अभी मैं उस पर भी विचार नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक लॉ के बारे में बनाना चाहूँगा, जो चकमाज और लोगों ने पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज एंड अनदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में जो 28 सितंबर 2000 की इन्होंने जजमेंट था कि चकमा लोगों को, जितने भी यहाँ पे है, इन लोग को वोटर लिस्ट में रखना है, ऐसा करके इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मार्च 2024 को भी कहा गया है कि चकमा लोगों को एडिशनल गाइडलाइंस के हिसाब से इनको जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, उन 3 डिस्ट्रिक्ट में इनको वोटर आईडी में इनरोल करने के लिए अलग से गाइडलाइंस दिया गया है जो होना है। उसके साथ साथ फिर आप लोगों ने, आपसू ने एक चैलेंज किया उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को, और जो पिछले कोर्ट, ये जो जजमेंट था गुवाहाटी हाईकोर्ट में, वो डिसमिस किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट ने। आपको पता होगा उसमें इन्होंने ये कहा कि चकमा लोग जो भी यहाँ पे इंडिया में बॉर्न बाय बर्थ है, उनको यहाँ का वोटर लिस्ट में उठने का, इनरोल होने का पूरा हक है। और इसी के लिए कंटिन्यूसली हम लोग 2004 से एज ऑन 2024 तक हम लोग वोटर्स बोथ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और 4 असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग फ्रेंचाइजी, अपना एडल्ट फ्रेंचाइजी यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें आपको अगर आपको कुछ रॉन्ग कुछ इंटरप्रिटेशन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी ने मिसगाइड किया है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। वहीं के है, हमारे नाहरलागुन में रहते हैं माननीय जो पांच के प्रत्न, ये दायन बडुमसा के विधायक माननीय निक कामिन जी, 2014 में भी जीत के आया है, 2024 में भी जीता है उन्होंने। और उन्होंने एक बात कहा कि पिछले बार कि हमारे ईटानगर में काफ़ी लोग, चकमा लोगों, हाजोन लोगों के बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं जानते हैं,
कहते हैं कि यहाँ के कभी कभी सुनते हैं कि चाकमा लोग पानी में रगने से भी नहीं मरते, इस तरह का कुछ चीज़ें वहाँ पे ले जाते हैं लोग, हम लोग उसको मान लेते हैं। इसलिए उनके चाकमा लोग का बैकग्राउंड, चाकमा लोग को वोटर आई डी में रह रख सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या राइट है, उनसे जाके पूछने से और थोड़ा बेहतर होगा, मेरा ये आशा है। लेकिन उलूल जुलूल बातें अगर हम इस तरह करेंगे, डेट विल श्योरली मिसगाइड वेरी इनोसेंट पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड लॉ, हम लोग लॉ के हिसाब से सब रखते हैं, तो देट विल बी मोर बेटर आई थिंक। एंड यू नो बेटर देन आस एंड बेटर देन मी ऑल्सो बींग एपेक स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह में से इंटरप्रेट नहीं करने से थोड़ा मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि दोनों केसेज और सब जुडिस्ट है। एंड इस तरह का थ्रेटनिंग देना कि दृश्यमुनि चकमा को हम लोग अरुणाचल में आएंगे तो देख लेंगे, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली। और इस 21st सेंचुरी में हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, दैट्स गोज अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू आर डाउन, जो हम लोग को यंग स्टार है, जो अपकमिंग लोग हैं, उनके लिए गलत मैसेज जाता है। थैंक यू, ज़्यादा ना कहकर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद एंड नमस्कार कहता हूँ।